टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो टेक्निकल से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो आज मैं बात करूंगा क्लास 10 के बच्चों के लिए जो झारखंड में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि अभी 10th का एग्जाम अब स्टार्ट होने वाला है और 10th के बच्चे काफी चिंतित हैं कि भाई मैथमेटिक्स में कैसे नंबर लाया जाए, कैसे पास किया जाए। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से भी कुछ ऐसा आइडिया मिल जाए जिससे मैं पास कर सकूं और अच्छा नंबर ला सकूं। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये चैनल का जो हमारे चैनल के माध्यम से ये मैथमेटिक्स का वीडियो है जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, पहले तो आपको क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर समझना होगा कि क्वेश्चंस में कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, टोटल कितना क्वेश्चन होता है, और ये सारा जब समझ लेंगे तो आपको बनाने में काफी सुविधा हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका टोटल क्वेश्चन 30 है, 30 क्वेश्चंस है और ये बटे हुए हैं चार टाइप में। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 10, जो 10 क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, जो एक एक मार्क्स का होता है। अब देख रहे हो कि 10 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। 1 से 10 स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके बाद अब आ जाए 11 नंबर, क्योंकि 10 नंबर तक तो ऑब्जेक्टिव हो गया। 11 नंबर में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो 11 से 15 नंबर, मतलब कि 5 क्वेश्चंस होते हैं और 2-2 नंबर के, मतलब यहां से 10 मार्क्स, मतलब 10 नंबर ये हो गया, 10 नंबर ये, 20 नंबर कंप्लीट हो गए और अभी तक क्वेश्चन कितने हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चंस एक एक मार्क्स वाले और 2-2 नंबर वाले, 5 क्वेश्चंस। इसके बाद आता है 3 नंबर वाले क्वेश्चन की बात, जो ज्यादा होते हैं, लेवल भी इसका हार्ड होता है, मैं बताऊंगा आगे जाकर। तो 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10 होते हैं और 16 नंबर से 25 नंबर, मतलब कि यहां 15 तक तो ये हो गए, और क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 25 तक ये टोटल 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं और ये एक काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, मतलब कि 30 मार्क्स। जो बच्चे एकदम 80 में 80 लाना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे टफ सेक्शन होता है, क्योंकि 3 मार्क्स वाले अगर 10 क्वेश्चन आप सही बना रहे हो ना तो पक्का है कि आप 80 में 80 ला सकते हो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सेक्टर होता है बोर्ड एग्जाम के मैथमेटिक्स में। तो जो हाई लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, 80 में 80 लाना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चंस को आप ज्यादा प्रैक्टिस करें। 3 मार्क्स के स्पेशल ये 10 क्वेश्चंस का सेट प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये 30 नंबर का है, एक क्वेश्चन भी छटेगा तो आपका 80 में 80 नहीं आ पाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, तो चलिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ये बोनस पॉइंट होता है उन बच्चों के लिए जो बहुत ही कमजोर होते हैं। अगर उन्हें पास करना है ना तो केवल इस सेक्शन को कर लें तो 30 नंबर आ जाता है। तो पहले मैं बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक तो यहां था, 26 से लेकर 30 लास्ट, एकदम क्वेश्चंस के लास्ट में 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 6-6 नंबर के होते हैं, मतलब सबसे कीमती क्वेश्चन सबसे लास्ट में होता है। जो 5 क्वेश्चन सभी 6-6 नंबर के, तो आपने देखा कि 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, 5 क्वेश्चन ही हैं, 30 नंबर, और ये आपके नंबर लाने में काफी योगदान रहता है। मतलब इसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें सावधानी बरतनी की हो सकता है कि इसके स्टेप मार्किंग में आपका कहीं नंबर ना कट जाए। तो इन सब चीजों में बारीक देखिए, जिनको 80 में 80 लाना है वो कम से कम लॉन्ग क्वेश्चंस में बारीक देखिए कि उसके लिखने में कहीं आप सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर एरिया का है, तो ये सब लिखना में आप मिस्टेक कर दें, स्टेप सही सही हो और इक्वल टू का प्रयोग सही जगह पर हो, ये सारी चीज बारीक होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा कमांड करना है। तो मैं कहूंगा लॉन्ग क्वेश्चंस में हर चीज में कोशिश कीजिए कि एकदम परफेक्ट लिखने का जो प्रोसेस हो वो बहुत बढ़िया हो। ये तो हो गई भाई उन बच्चों की बात जो 80 में 80 लाना चाहते हैं। अब बात आता है कि भाई जो बच्चे पास कर कंप्लीट करना चाहते हैं तो क्या क्या किया जाए। तो आइए मैं आपको पहले आइडिया देता हूं। नीचे आप देख रहे हैं कि मैंने सारे क्वेश्चंस को लिख रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक मेरे अनुमान पर, चूंकि मैं गेसिंग जल्दी करता नहीं, लेकिन मैं इसलिए गेसिंग कर दे रहा हूं कि जो वीक स्टूडेंट है कम से कम ये पढ़ ले। देखो भाई अगर नहीं आता है तो मेरे को ब्लेम मत करना कि सर आपके चैनल को देखे थे ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मेरा एक लमसम आइडिया है कि ये आ सकता है, इसको प्रैक्टिस कर ले। अगर आपने नहीं किया है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया तो ये जरूर कर लो, आ जाएगा, अच्छे नंबर उठा सकते हो। तो लगभग आना चाहिए क्योंकि मेरा पुराना 10 साल का तजुर्बा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो चलो लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी लॉन्ग से स्टार्ट करना ताकि आप पास कर जाओ, अच्छे से अच्छे नंबर ले पाओ। देखो यहां पर मैं 2-3 बातें बताऊंगा। सबसे पहला चीज, आप देखो सारे क्वेश्चंस में मैंने ए और ई का प्रयोग किया है। ये प्रयोग मैं अपने से नहीं किया हूं, मेरे स्टूडेंट जो मेरे सेंटर के सबसे वीक स्टूडेंट थे उनसे मैंने फीडबैक लिया कि भाई आपको कौन सा क्वेश्चन इजी लग रहा है, कौन सा हार्ड लग रहा है और कौन एवरेज लग रहा है। उनके आइडिया पर मैंने ए से मतलब एवरेज हो जाएगा, ई मतलब इजी और एच मतलब हार्ड, मैंने उनको हार्ड लगता है इजी लगता है, इस प्रकार से उनका फीडबैक है।
बाकी मेरे से बोलोगे कि सर पासिंग के लिए कौन कौन क्वेश्चन पढ़ ले, तो जितना भी राउंड सर्कल किया हुआ है रेड से वो सब पासिंग के लिए है। मैंने मैं एडवाइस करूंगा कि जो बच्चे केवल पास के लिए पढ़ना चाहते हैं वो कम से कम ये क्वेश्चन जरूर पढ़ ले। बोर्ड में 80 में से 40 नंबर पक्का आ जाएगा अगर इतना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हो। मेहनत कम है। ये क्वेश्चंस को मैंने कैसे निकाला है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को लिखा है जो समझना बहुत आसान होगा, जिसमें कम मेहनत पर आप आराम से नंबर उठा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने राउंड घेरे में रखा है कि इसको आपको पहले कर लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस में देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन 26 से लेकर 30 तक में क्या क्या है और उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो देखिए 26 जो आता है वो द्विघात समीकरण से आता है और अल्फा बीटा निकालने आता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी बुक, जितना भी मैं प्रिफर कर रहा हूँ ओनली एनसीईआरटी, झारखंड का जो एनसीईआरटी बुक है बस उसका, तो आपको लेना है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है। बस ध्यान रखना कि 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूर्ण वर्ग विधि से है। आपको पूर्ण वर्ग विधि में नहीं जाना है, आपको डी निकालकर अल्फा बीटा निकालना है। मतलब कि पहले तो आप डी निकालें और बताएं कि मूल की प्रकृति कैसी है और उसके आधार पर केवल अल्फा बीटा ज्ञात कर लें, आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स श्योर आ जाएगा। तो 26 के लिए प्रैक्टिस के लिए आप एक्सरसाइज 4.1 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस कर लें। उसी तरह से 27, अब 27 में आप देख रहे हो कि ये हाइट एंड डिस्टेंस है ट्रिकोमेट्री का सबसे लास्ट, मतलब कि 8.4 के बाद 9.1 में ट्रिकोमेट्री के कुछ क्वेश्चन है। ऐसे तो मैं कहता हूं कि इसके 6 नंबर के बाद से जो लगातार 16 नंबर तक क्वेश्चन, इसमें 16 ही क्वेश्चन है तो टोटल देख लेना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 6, 8, 9, 12 और 13। ये क्वेश्चन आप कर लेना और इसका एग्जाम्पल भी कर लेना, क्योंकि यहाँ अथवा में आता है तो इसके एग्जाम्पल भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसका अथवा भी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं 28 नंबर, तो देखो 6 इजी है, कल डी निकाल के अल्फा बीटा निकालोगे, इसलिए मैंने राउंड गिना में किया, इजी आ जाएगा नंबर 28 में। इस बार ज्यादातर टीचर्स गेस कर रहे हैं थेल्स प्रमेय का, थेल्स प्रमेय आपका पहला प्रमेय है और इस बार का काफी इंपॉर्टेंट गेसिंग में लोग लगा रहे हैं कि थेल्स ही आना चाहिए। मैंने थेल्स और पाइथागोरस विलोम को आइडिया में रखा है कि आप थेल्स तो कर ही ले, थेल्स प्रमेय और साथ में पाइथागोरस विलोम, जो पाइथागोरस का विलोम था वो कर ले, और एक और समरूप क्षेत्रफल वाला, मतलब कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये भी एक बैकअप में रख ले कि अगर ये गड़बड़ाता है तो ये क्वेश्चन तो आना चाहिए। तो ये 3 प्रमेय आप जरूर कर लें। तो 28 नंबर में ये प्रमेय अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा तो आप रट भी जाओ लेकिन कर लो, क्योंकि एग्जाम में आएगा, वो भी 28 नंबर क्वेश्चन में ही आएगा और भी 6 मार्क्स का। इसके बाद 29 थोड़ा सा हार्ड लेवल का होता है, जैसा बच्चों का फीडबैक है तो मैं तो हार्ड नहीं मानता, लेकिन बच्चों का चूंकि एवरेज बच्चों के लिए हार्ड है तो आप इसको कहां से करें, तो एक्सरसाइज 13.4 जो एनसीईआरटी का मेंसुरेशन का है, छिन्नक वाला जो बाल्टी उल्टी वाला क्वेश्चन आता है, खासकर 45 सेंटीमीटर वाला जो क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, आप एग्जांपल में देख सकते हो, तो इसके लिए कर सकते हो कि 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और इसके एग्जाम्पल, मतलब 13.4 के ही एग्जाम्पल में 12, 13, 14 ये तीनों हनुकंपा वाला एक क्वेश्चन मिलेगा, एक 45 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी वाला क्वेश्चन मिलेगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कंप्लीट कर लेना है। और 30 नंबर में भाई सबसे इजी लास्ट में जो आप देखते हो स्टैटिक्स में मध्यमाधिका बहुलक का होता है क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज होता है 14 पॉइंट में, तो 14.1, 2, 3 मध्यमाधिका बहुलक ये तीनों आपको कंप्लीट करना है। इस बार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है माध्य और बहुलक कर लेना, क्योंकि 2018 में माध्यक आया हुआ है, लेकिन आप तीनों प्रैक्टिस कर लेना, रिक्स मत लेना, तो ये इजी होता है। तो इसमें से लॉन्ग में 3 तो आपको कर ही लेना चाहिए, 26, 28 एंड 30। दोबारा इसको रिपीट देख लेना कि मैंने किसमें किसमें क्या कहा है। आ जाते हैं अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो देखिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन 10 होते हैं, तो भाई इसकी बात करते हैं। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले 16 नंबर से स्टार्ट होता है, तो 16 नंबर के लिए मैं डायरेक्ट बताते जाता हूं, एक्सरसाइज 1.3 होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इजी है 1.3 में। इसमें आपको रूट सिद्ध करें, रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है या रूट 3 एक अप्रमेय संख्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इजी है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, या फिर टीचर से पूछ लेना इसका फॉर्मेट क्या होता है, एक बार बता देंगे आप याद कर लो, वो आसानी से आपसे बन जाएगा। इसके बाद देखिए 17 में है एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1, इजी है भाई एक ही क्वेश्चन है, तो 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन यहां पर इसका x और y का वैल्यू निकालने आता है, लेकिन थोड़ा सा टफ है, मतलब कि इसके पहले एक्सरसाइज में इजी है x y का वैल्यू निकालना, लेकिन जब 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे इसका लेवल थोड़ा सा हाई आता है, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, तो 18 नंबर में
बोर्ड एग्जाम का 18 नंबर क्वेश्चन में आएगा एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम का है उसमें कहां से, तो एक्सरसाइज 5.2, तो भाई एक्सरसाइज 5.2 क्या है, तो एक्सरसाइज 5.2 में एपी है, तो एपी का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 11, 16 एंड 17 ये आप कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ये भी इजी है, एपी का क्वेश्चन है, फार्मूला याद कर लीजिएगा बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा हार्ड इसलिए लोगों ने कहा है क्योंकि इसमें बिना ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद किए बनता नहीं है। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि सर एक ही क्वेश्चन पूछे आप, नहीं भाई गलतफहमी में मत रहना, यहां एक क्वेश्चन नहीं है, 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चंस है और वो भी 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग क्या हुआ, तो ये मत सोचना कि इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है कर लेंगे हो जाएगा, नहीं इसमें 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें से ट्रेडिशनल क्वेश्चन 4 हैं जिनको याद करना पड़ेगा क्योंकि वो एक अलग फॉर्मेट से बनता है, जिसके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको दिमाग में रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 7.1 का है और ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। फिर उसके बाद देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और क्वेश्चंस भी हैं, 22 में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 और 8, ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट निकाला हूं, बाकी आप पूरा एक्सरसाइज बना लो तो बहुत बेहतर होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ये रचना है, रचना के क्वेश्चन दो होते हैं, एक होता है 11.1 से जो थोड़ा हार्ड होता है, ट्रायंगल से बनाकर बनाना पड़ता है, एक रचना आता है 11.2 का, क्योंकि 11.2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है और इजी बनते हैं, ब्रीथ का क्वेश्चन इजी बनता है रचना का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रीथ का ही रचना बनाएं और इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 चार क्वेश्चंस स्टार्टिंग का प्रैक्टिस कर ले, उम्मीद है इसमें से आ जाना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज कौन सा है, 15.1, ये कौन सा है 15.1 मतलब हो गया आपका प्रायिकता और उसमें क्वेश्चंस आपको करने हैं 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, ये प्रायिकता के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर लीजिए आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 25 जो 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है वो है 12.2, मतलब ये वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई ये निकालने वाला क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 6 कर लेंगे तो लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस तरह से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को मैं लगभग एक एनालाइज कर दिया हूं एनसीईआरटी बुक में, आप इसको निकाल कर टिक कर बना सकते हैं और ये वीडियो मैं जल्द इसलिए अपलोड कर रहा हूं कि कम से कम इसको कंप्लीट करने में 10 दिन का टाइम लगेगा, तो 10 दिन आपके मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए कुछ दिन बचे हुए हैं तो आप इसको यूज कर नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि मैं एक दिन पहले डालूं तो ये वीडियो डालना बेकार हो जाएगा क्योंकि एक दिन पहले आप इस सबको नहीं कर सकते। इसके बाद मैं बात करूंगा कि भाई यहां पर अब 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की कि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस 5 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो सबसे पहले 11 नंबर पर आएगा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 जिसमें एक द्विघात समीकरण टाइप का होता है जिसमें या तो मूलों के योग और गुणनफल दिए रहते हैं जिससे एक इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको लेवल ऐसे लोगों ने हार्ड में रखा है, तो भाई ये कौन सा एक्सरसाइज का है, तो ये 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 4 ये आप कर लेना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या है 8.1, तो भाई ये ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर है और इसमें साइन थीटा का वैल्यू दिया रहे तो टेन थीटा निकालना, इस तरह का वैल्यू वाला क्वेश्चन आता है तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन गेस कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 और भी 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम्पल का भी, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 10.2 का है और ये क्वेश्चन नंबर है 4, 8, 11 और 10.1 प्रमेय और 10.2 ये वृत्त का प्रमेय है, तो यहां पर वृत्त के प्रमेय 10.1 और 10.2 आप कर ले और उसी के आगे एक्सरसाइज जो 10.2 का है क्वेश्चन नंबर 4, 8, 11 प्रूव करने वाला है, ये कर लीजिए और इसके कुछ मास नंबर निकालने वाले मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई याद करें, इस तरह का भी एक दो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर ले तो मुझे लगता है 2 नंबर वाले क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात लास्ट में मैं एक बार फिर कहूंगा कि अब बात होगी ऑब्जेक्टिव की, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव
एक दिन पहले भी करो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं करना, सब इजी होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा हल्का गेसिंग करना मुश्किल होता है, बाकी एकदम इजी है। और एक मतलब मुश्किल से मेरे एक वीडियो को देखने के बाद आपको किताब भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा ऑब्जेक्टिव आप यूं सॉल्व कर लोगे, लगेगा कि टोटल नंबर आराम से आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देखें तो मैंने जितने राउंड कर रखे हैं उसके नंबर को जोड़ोगे तो नंबर आ जाएगा 40, मतलब 40 नंबर का तैयारी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। ये राउंड क्या हुआ, जो क्वेश्चंस हैं उसको आप पहले करो, जिनको पास करना है, जिनको 80 में 80 लाना है वो तो पूरा कर ले, और खास करके जो मैंने 3 मार्क्स का क्वेश्चन कहा है उसको जरूर कर ले, ताकि तभी आपका नंबर आएगा। और लॉन्ग क्वेश्चंस में जैसे मैंने बताया है वो वीडियो को आप रिटेक करके 3-4 बार देख लेना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी कारगर हो, और बोर्ड एग्जाम के बाद मुझे जरूर कमेंट करना कि क्वेश्चंस कैसा आया और मेरे सेक्टर से कितने क्वेश्चंस लड़े हैं। तो चलिए भाई, आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं खास बना रहा हूँ। ऐसे तो मैं टेक्निकल के लिए स्पेशल मेरा चैनल है और पॉलिटेक्निक की ही तैयारी करवाता हूँ, लेकिन 2-3 वीडियो मैंने डाला था 10 का, और बच्चों का डिमांड था भाई। और मेरे जो पुराने पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं उनके घर में छोटे भाई बहन एग्जाम दे रहे हैं, तो वो मेरे से कॉल करके बोल रहे थे, उनका रिक्वेस्ट था खासकर स्पेशल। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आपको मैथमेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा मदद मिल पाए। तो उम्मीद है कि झारखंड के हर 10 के बच्चे इस बार कुछ भयंकर रिजल्ट लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।